हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, लॉकडाउन का पीरियड अब 3 मई 2020 तक एक्सटेंड हो गया है। घर में रहते हुए स्ट्रेस आना अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन होगा, क्योंकि पूरे समय घर में रहना वाकई में डिफ़िकल्ट काम है। तो इस स्ट्रेस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके एंजॉय करें, और वन ऑफ द वे टू एंजॉय विद फैमिली मेम्बर इज़ वॉचिंग गुड मूवीज। ऐसी मूवीज़ देखें जो कि फैमिली के साथ बैठ के रिलैक्स होके देख सकें और सभी लोग इंजॉय कर सकें। तो रेकॉन सिविल एकेडमी ने इस तरह की 6 मूवीज़ ढूंढी हैं दोस्तों, जो कि कॉमिक भी है, वॉर मूवीज़ भी है, डिबेट मूवीज़ भी हैं, जिन मूवीज़ को आप फैमिली मेम्बर्स के साथ फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब पे और इंजॉय कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी मूवीज़ के लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ पर आप क्लिक करिए और मूवी देखिए। सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हैं, मैं 6 मूवीज़ को आपको बताऊंगा, आप किसी भी सीक्वेंस में मूवी देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इन सारी मूवीज़ की एक खासियत है दोस्तों कि इनमें ना तो कोई बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं और ना ही कोई बहुत अच्छे गाने हैं। सारी मूवीज़ जो कलेक्शन हम लाए हैं वो बहुत अच्छी स्क्रीन प्ले और एक्टिंग के दम पर चलती है। तो ये सारी मूवीज़ देख के आपको मज़ा आएगा, रिलैक्स होंगे और फिर आप वापस अपना ध्यान पढ़ाई पे लगा सकेंगे। तो फर्स्ट मूवी जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसको रिकमेंड भी करूँगा आपको सबसे पहले देखने के लिए एज ए सिविल इंजीनियर, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का नेगेटिव शेड इस मूवी में थोड़ा दिखाया गया है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कुछ सेटिंग हो जाती है। तो उसी के ताने बाने पे बनी हुई एक मूवी है, कॉमिक मूवी है, कल्ट मूवी है, और मूवी का नाम है दोस्तों जाने भी दो यारो। IMDB रेटिंग देखें तो 8.4 है। रिलीज हुई थी 1983 में। उस समय जो भी एक्टर्स थे वो बड़े नाम नहीं, नाम है नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, सतीश कौशिक, पंकज कपूर, नीना गुप्ता, और बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय किया है इन लोगों ने और बहुत अच्छी मूवी बनी है। यू शुड वॉच विथ योर फैमिली मेम्बर्स, एवरीबडी विल इन्जॉय। और जो क्लाइमेक्स सीन है वो तो हंस के लोटपोट कर देने वाला है। तो आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप इसी मूवी को देखें, मज़ा आएगा आपको देखने में। बाकी मूवीज़ आप अपने ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं। तो इस मूवी को बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, अगर देख रखी है तब भी देख लें, अगेन मज़ा आएगा और स्ट्रेस रिलीज होगी। मूवी का नाम मैं फिर से बता दूं, जाने भी दो यारो। सेकेंड मूवी जो आपको इस समय देखनी चाहिए दोस्तों, अगेन एक कल्ट और बहुत ही अच्छी मूवी है। मूवी का नाम है पुष्पक। रिलीज हुई थी 1987 में। लीड एक्टर हैं इस मूवी के कमल हसन। दोस्तों, इस मूवी की एक खासियत है कि पूरी मूवी में कमल हसन ने एक डायलॉग भी नहीं बोला है, बट लाजवाब एक्टिंग, कॉमिक, सब कुछ इस मूवी के अंदर है। इमोशंस भी बहुत हैं, आप देखेंगे तब पता चलेगा आपको। इसकी IMDB रेटिंग है दोस्तों 8.6। तो पुष्पक मूवी भी बहुत ही लाजवाब है, डोंट मिस इट, मज़ा आएगा, आप जरूर देखिएगा। थर्ड मूवी जो है दोस्तों, जिसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी इस तरह की मूवी है कि शायद आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देखना कंफर्टेबल ना फील करें। तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ इस मूवी को कि आप चाहें तो फैमिली मेम्बर्स के साथ देखें, ना चाहें तो ना देखें, इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत ज़्यादा तो नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, बॉम्बे के कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो शायद कुछ लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ देखना पसंद ना करें। मूवी का नाम है दोस्तों 1:40 की लास्ट लोकल। अगेन, एक नॉर्मल पर्सन जब अपनी लास्ट ट्रेन छोड़ देता है तो उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाती है वो पूरी इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी का IMDB रेटिंग है 7.3। मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो अभय देओल और नेहा धूपिया इसमें लीड रोल में है। नेक्स्ट मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, वो एक वॉर मूवी है। बहुत ही लाजवाब एक्टिंग है इस मूवी में और बहुत ही सजावा स्क्रीन प्ले है। ये मूवी है 1971 के इंडिया के वॉर प्रिजनर पे, जो पाकिस्तान में जिनको प्रिजनर के रूप में रख लिया जाता है 1971 में। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है मूवी में और लीड रोल में है मनोज वाजपेयी, आप ज़रूर देखिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये मूवी आपको कैसी लगी। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वॉर मूवीज में से है, 1971। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
इसको देख के एक बार तो कमेंट बनता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगेन एक वॉर मूवी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये इंडियन मूवी नहीं है दोस्तों, इसको 2002 का बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था ऑस्कर के अंदर, और बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग वाली मूवी है, नाम है नो मैन्स लैंड। 2001 में रिलीज हुई थी दोस्तों ये, IMDb रेटिंग है 7.9। इसमें मूवी में हो सकता है कि आपको लैंग्वेज ज़्यादा समझ में ना आए, बट लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, आप पूरी मूवी को विदाउट लैंग्वेज भी समझ जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे इस मूवी को, और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस मूवी के अंदर। और बहुत ही मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ख़राब एंड है इसका, ओके, आपको दुख होगा एंड देख के, बट बाकी मूवी बहुत अच्छी है। आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस फॉरेन फिल्म नो मैन्स लैंड। लास्ट मूवी दोस्तों जो है वो एक डिबेट मूवी है, यानी कि एक कमरे के अंदर 12 लोग डिबेट करते हैं और पूरी मूवी कमरे के अंदर चालू होती है और कमरे के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिस तरह की एक्टिंग इसमें पंकज कपूर ने की है वो वाकई में लाजवाब है। मूवी का नाम है दोस्तों एक रुका हुआ फैसला। मूवी रिलीज हुई थी 1986 में, IMDb रेटिंग है 8.3। बासु चैटर्जी ने इसको डायरेक्ट किया था, हालांकि ये एक फॉरेन फिल्म जो दूसरी हॉलीवुड की मूवी है उससे इंस्पायर्ड है, बट फिर भी इसमें कोई कमी नहीं है, यू विल इंजॉय अ लॉट। इस मूवी को देख के भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये मूवी आपको कैसी लगी, या आपके ग्रुप डिस्कशन को एनहेंस करती है कि किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी डिबेट मूवी है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये मेरा कलेक्शन था 6 मूवीज़ का, जो कि रिलैक्सिंग रहेगा और इस लॉकडाउन में आपके स्ट्रेस को दूर करेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। विद डैट थैंक यू वेरी मच, कीप इंजॉइंग योर सिविल इंजीनियरिंग एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन इन योर लाइफ।